सभी का आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है 5 की आज का। बात करेंगे निजी स्कूलों की मनमानी और कातिलाना गर्मी की। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल संचालक मनमानी से बाज आ ही नहीं रहे हैं। पहले फीस में किया गड़बड़ झाला, अब किताबों के जरिए भी वसूली करने का मामला सामने आया है। आखिर क्या वजह है जो प्राइवेट स्कूल संचालक प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं? मनमानी फीस पर प्रशासन सख्त हुआ है तो अब किताबों के नाम पर वसूली का खेल सामने आया है। पेरेंट्स से किताबें देकर मनमानी कीमत वसूली जा रही है। एक किताब है, उसके नाम अलग अलग हैं और कीमत में जमीन आसमान का अंतर है। निजी स्कूलों का खेल, मनमानी पर कब नकेल? कि फिर जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूल में सफर करते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए कोई आवाज नहीं उठाना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरवाइव तो आप ही कर रहे हैं। हाँ, कर तो रहे हैं, लेकिन हम भी मजबूर हैं। ये भी आप सोचिए कि हम भी मजबूर हैं। फीस के बाद अब किताबों का खेल। एक किताब, दो नाम, अलग अलग है कीमत। पेरेंट्स हैं वो बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना चाहते हैं, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा मेंटेन है स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड जो है वो पढ़ाई का है। बच्चों को लगता है, हीन भावना आती है कि हम छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं क्योंकि फीस ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ाइयाँ सभी जगह अच्छी होती हैं, लेकिन जो ये हो रहा है फीस ज्यादा जो ली जा रही है उसी चक्कर में लोगों को लगता है कि नहीं, वहाँ ज्यादा पढ़ाई अच्छी हो रही है, बट ये गलत है। ताक पर नियम कायदे, पैसा कमाना मकसद। जबलपुर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल नहीं कस पा रही है। फीस के बाद अब निजी स्कूलों का एक और कारनामा सामने आया है। निजी स्कूल और किताब विक्रेताओं के बीच कमीशन खोरी का मामला उजागर हुआ है। बताया जा रहा है कि एक ही किताब को अलग अलग नाम से अलग अलग स्कूलों में चलाया जा रहा था। इन किताबों के प्रकाशक और लेखक एक ही है। फ्रेंड्स पब्लिकेशन इंडिया आगरा द्वारा प्रकाशित इन किताबों को सुमेधा और आमोदनी नाम दिया गया। दोनों ही किताबों का लेखन और संकलन वाराणसी के डॉक्टर राम अवतार शर्मा ने किया, लेकिन दोनों की किताबों की कीमत अलग अलग है, यानी प्राइवेट स्कूल अपने हिसाब से इन किताबों को बेच रहे हैं और अभिभावकों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। उधर मामले की जानकारी कलेक्टर को हुई, जिसके बाद कलेक्टर ने अभिभावकों से ISBN नंबर की जांच करने की बात कही। साथ ही शिकायत के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया, जिस पर अभिभावक अपनी शिकायत कर सकते हैं। जबलपुर में अब तक के इतिहास में निजी स्कूलों के खिलाफ जितनी बड़ी कार्रवाई हुई है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 11 स्कूलों के डायरेक्टर और प्रिंसिपल्स के खिलाफ FIR दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की गई है। जबलपुर तो स्कूलों का खेल चल रहा है, मनमानी पर कब नकेल? अभी जबलपुर और ग्वालियर में ही कलेक्टर ने एक्शन लिया है, उसके बावजूद भी अब देखिए बुक्स के नाम पर किस तरह से ये पूरा खेल चल रहा है वो सामने आया है। एक ही लेखक लिखने वाला, एक ही प्रकाशक, लेकिन किताब अलग अलग नाम से अलग अलग कीमत पर बेची जा रही थी। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि प्रशासन ने फैसला लिया है कि जिस स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे हैं सबसे पहले वहां जांच की जाएगी, चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। इसके बारे में हम लोगों ने सभी जितने 1037 स्कूल हैं उसमें से सबसे फर्स्ट जो ऐसे स्कूल जिसमें 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं पहले उनको टारगेट किया है। उनकी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में उन्होंने 90 दिन के अंदर सूचना दी है कि नहीं दी है, उसके बारे में, उनके सरप्लस फंड के बारे में, फीस में उन्होंने कितनी वृद्धि की है और कितने प्रतिशत वृद्धि की है, उसके बारे में जानकारी कंपाइलेशन के लिए हम टीमें बना रहे हैं। एक एक टीम को 10-10, 15-15 स्कूलों का काम देंगे और ये टीमें 7-8 जून से जो है काम करना चालू करेंगी,
मुझे लगता है हम 25 से 30 जून के बीच में लगभग सभी स्कूलों की फीस वृद्धि के बारे में जानकारी का कंपाइलेशन कर लेंगे और जानकारी को निकालने के बाद उसका आकलन ये करेंगे कि कितनी फीस वसूली जो है अनधिकृत तौर से अवैधानिक तौर पर। एक शब्द आया है ISBN, आखिर इसका मतलब क्या है ये तो हम आपको आगे बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कैसे प्राइवेट स्कूलों में किताबों के नाम पर वसूली का ये खेल किया जा रहा है। तो आपको किस तरह से ये खेल चल रहा है, स्कूलों में फर्जी किताबें चल रही हैं, स्कूलों की कमीशन खोरी, सुनिए। किताब एक, नाम अलग अलग, एक ही किताब है, उसका कंटेंट भी एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। एक किताब को दो नामों से बेचा जा रहा है, एक स्कूल में एक नाम, दूसरे स्कूल में अलग नाम। सुविधा और आमदनी, ये दो नाम हैं लेकिन किताब का जो मैटर है वो एक ही है। सुविधा बुक की कीमत कितनी है, 345 रुपए, 265 रुपए में बेची जा रही है आमदनी बुक। जी हाँ, आमदनी 265 रुपए में। प्राइवेट स्कूलों और विक्रेताओं की मिलीभगत के चलते ये पूरा खेल इस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। विक्रेता से मिले हुए हैं, प्राइवेट स्कूल इसमें मिले हुए हैं, उनकी मिलीभगत से ये चल रहा है। स्कूलों में चलने वाली 90% किताबें फर्जी हैं, ये निकलकर सामने आया है। किताबों पर जो ISBN नंबर दर्ज हैं वो फर्जी हैं, वो बता रहे हैं कि ये किताबें फर्जी हैं। और अब बताते हैं हम आपको कि ISBN जो फर्जी इन किताबों में वो क्या है। ISBN एक विशिष्ट तरह का नंबर है, ये एक एक्सक्लूसिव नंबर होता है किताबों पर, ये अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या है, ठीक, ये इंटरनेशनली अक्लेम्ड होता है, अक्नॉलेज होता है। मोनोग्राफिक प्रकाशनों की पहचान इसमें होती है, इस ISBN नंबर में पब्लिशर्स की पहचान के लिए 13 अंकों का होता है ISBN नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर 13 अंकों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी है वो इस नंबर को अलॉट करती है और ये इन किताबों पर होता है। ये नंबर बारकोड जो आप देखते हैं उनकी शक्ल में होता है किताबों के अंदर, बारकोड की शक्ल में। ये कोड निशुल्क होता है, यानी कि फ्री में जारी किया जाता है। ये कोड ब्रिटेन में स्थित है ISBN एजेंसी जहां से ये नंबर्स जारी किए जाते हैं, ये ISBN कोड दिया जाता है। तो अब जो इन किताबों में ये ISBN कोड पाया गया है वो फर्जी पाया गया है, यानी कि किताबें भी फर्जी हैं। जबलपुर में प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब निजी स्कूलों में हड़कंप मच गया है। इसको लेकर अब निजी स्कूल संचालक डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि इसको लेकर निजी स्कूल संचालक गुप्त तरीके से बैठकें कर रहे हैं, विधायक मंत्रियों के चक्कर काटे जा रहे हैं ताकि मामले को दबाया जा सके, रफा दफा किया जा सके। कहा जा रहा है कि कलेक्टर की सख्ती के बाद अब कलेक्टर पर दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है। इसी के साथ कार्रवाई से बचने के लिए निजी स्कूल संचालक कानून का भी सहारा लेने की तैयारी में हैं। इसको लेकर कानून के जानकारों से भी बातचीत की जा रही है। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मध्य प्रदेश में गर्मी के कहर की। तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नॉर्थ और ईस्ट मध्य प्रदेश के 17 जिलों में लू का येलो अलर्ट है। गर्मी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश के 19 शहरों का जो तापमान है, आगे आपको बताएंगे। कहीं गर्मी से आफत, कहीं राहत। केरल के द्वार, मॉनसून की बहार। मध्य प्रदेश में गर्मी हुई कातिल। पारा 48 के पार, जिंदगी पर कहर। लू से 3 दिन में 7 लोगों की मौत।
गर्मी की मार, अब बारिश का इंतजार। चलिए अब आपको प्रदेश के शहरों का तापमान बताते हैं कि किस शहर में कितना तापमान दर्ज किया गया है और गर्मी कहां कहां है, कितनी कितनी गर्मी है, कितना तप रहा है प्रदेश। सीधी की बात करते हैं, 48.2 डिग्री सेल्सियस सीधी में तापमान दर्ज किया गया है। बात खजुराहो की करते हैं, वो भी तप रहा है, 47 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। छतरपुर में 46.5 डिग्री सेल्सियस, सिंगरौली में 46.3 डिग्री सेल्सियस, भोपाल में, राजधानी भोपाल में दिन में भी गर्मी है, रात में भी गर्मी, लोगों को परेशान किया हुआ है। 42.4 डिग्री सेल्सियस भोपाल का तापमान दर्ज किया गया। शिवपुरी में 46 डिग्री, दतिया में 45.8 डिग्री, सतरा में 45.7 डिग्री, शहडोल में 45.2 डिग्री, तो ग्वालियर में 45.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है, लू से जाने भी जा रही हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कृपा करें 12 से 5 के बीच में घर से बाहर ना निकलिए, बहुत जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये गर्मी जान ले सकती है। गर्मी का तो कहर जारी है, लोगों का जीना मुहाल ही किया हुआ बता रहे हैं हम आपको। नॉर्थ और ईस्ट मध्य प्रदेश के 17 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश के 19 शहरों का तापमान 44 से 48.2 डिग्री दर्ज किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा पारा सीधी में 48.2 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान की ओर से आने वाली गर्म हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश का तापमान बढ़ गया है, गर्म हवाओं की वजह से गर्मी बढ़ रही है। यही वजह है कि ग्वालियर में लू की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, 2 बच्चों की जान चली गई। बीते 3 दिनों में गर्मी से 7 लोगों की मौत हुई है, ये दावा किया जा रहा है। उधर भिंड के जिला अस्पताल में गर्मी का असर, यहां ट्रांसफार्मर में आग लग गई, काफी देर तक आग धधकती रही, हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। सतना में धमाका हुआ, धमाके के साथ ट्रांसफार्मर में आग लग गई, साथ ही केबल भी जल गई, जिसके बाद से इलाके में बिजली का संकट है, बिजली गुल हो गई। कुल मिलाकर गर्मी और आग लगने की घटनाओं ने परेशानियों को डबल किया है, आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। अब आप एक जलते हुए पेड़ की तस्वीर देखिए, कैसे एक पेड़ में आग धधकी। कहा जा रहा है कि पेड़ के आसपास कूड़ा पड़ा हुआ था, सूखा कूड़ा और कचरे में आग लगने से आग फैलती चली गई और पेड़ भी आग की लपटों में घिर गया। इसे गर्मी के तांडव से जोड़कर आप देख सकते हैं, कूड़े में लगी आग ने कैसे एक पेड़ को राख कर दिया जलाकर। कई घंटों तक इसी तरह पेड़ वहां पर जलता रहा। देखिए जो मशीन है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उनमें भी आग लग रही है। वजह यही है कि गर्मी में वो तपते रहते हैं लगातार, एक तरह से पावर सप्लाई के दौरान वो तप रहे होते हैं, अंदर से बाहर से तपिश तपा देती है उन्हें और उनमें ब्लास्ट हो जाता है। निवाड़ी में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो दूसरी तरफ पर्यटन नगरी में 500 साल पहले बनी पुरातात्विक धरोहरें तापमान को मात दे रही हैं। एक तरफ बुंदेलखंड की पहाड़ियां आग की भट्टी की तरह तप रही हैं, तो दूसरी तरफ पुरातात्विक धरोहरें शीतलता दे रही हैं। जी हाँ, तस्वीरों में दिख रहा ये इमारत, जो दिख रही है इमारत, वो राजा महल है। इसके कमरों को ऐसे बनाया गया है, इनकी संरचना ऐसी है कि भीषण गर्मी के बीच यहाँ तापमान 10 से 15 डिग्री तक कम रहता है। बताया जा रहा है कि इसमें अंडरग्राउंड टावर नुमा पिलर है, जिनसे आने वाली हवाएं नीचे आते आते एकदम ठंडी हो जाती हैं। हवा के अलावा धूल, मिट्टी और बरसात का पानी भी इसके अंदर नहीं आ पाता है। इस तपती गर्मी में जब पर्यटक राजा के महल पहुंचते हैं तो ठंडक का एहसास उन्हें अचंभित कर देता है। इन महल, ये महल जो है पूरा चूने की दीवारों से बने हुए हैं और चूने की दीवारें इतनी, महलों की दीवारें इतनी काफ़ी मोटी हैं और इनमें इस तरह के वेंटिलेशन बने हुए हैं जो पूरे कमरे को वातानुकूलित रखते हैं, और ये वेंटिलेशन भी ऐसे बने हुए हैं जो काफ़ी ऊंचाई तक हैं, जिनमें हवा के अलावा बारिश का पानी और धूल इत्यादि नहीं आ पाते हैं। सर, बाहर गर्मी है, आप इस जगह राजा महल में खड़े हुए हैं, तो यहाँ कुछ तापमान में आपको अंतर लग रहा है क्या? हाँ, बहुत अंतर लग रहा है, यहाँ शीतलता है, ठंड है, इधर बाहर क्या थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा है, तो उधर गर्मी उमस भी है, इधर नहीं है। निवाड़ी जिले ने इस बार मध्य प्रदेश में गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन जिले में ही स्थित
पर्यटन नगरी ओरछा में जो पुरातात्विक धरोहरें हैं उनका आज भी तापमान बाहर के वातावरण से 10 से 15 डिग्री कम रहता है। उसका कारण है विशेष स्थापत्य कला से इन महलों का निर्माण होना। हृदय तिवारी न्यूज 18 के लिए ओरछा से। तो भले ही गर्मी भीषण है, लोग परेशान हैं, तो वहीं हिमाचल के रोहतांग की तस्वीर लोगों को सुकून देने वाली है, जहां बर्फबारी ने टूरिस्ट को रोमांचित करके रख दिया। रोहतांग दर्रा में हुई बर्फबारी से टूरिस्टों की भीड़ बढ़ रही है। रोहतांग दर्रा के दीदार के लिए रोजाना टूरिस्ट मनाली पहुंच रहे हैं और एडवांस में ही यहां परमिट के लिए बुकिंग हो रही है। कहा जा रहा है कि मई महीने के अंत में हुई बर्फबारी से पर्यटन सीजन और लंबा चलने के भी आसार बन रहे हैं। तो वहीं टूरिस्ट हैं, बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं, स्नोफॉल मस्ती कर रहे हैं। आप भी लोगों को यहाँ मस्ती करते हुए देख सकते हैं किस तरह वो खुश हैं, क्योंकि गर्मी से राहत पाने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं और इसलिए बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो भीषण गर्मी से एक तरफ लोग परेशान हैं, तो लोग निजात पाने के लिए रोहतांग दर्रा पहुँच रहे हैं। मार झेल रहे गर्मी की जो लोग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या है वो आपको बताते हैं। मानसून केरल में एक दिन पहले पहुंच गया, 31 तारीख को पहुंचने का अनुमान था लेकिन कल ही पहुंच गया 30 तारीख को। 2023 में मानसून की एंट्री 8 जून को हुई थी केरल में, लेकिन इस बार टाइम पर हो गई, एक दिन पहले ही हो गई है। 1 जून तक केरल में प्रवेश करता है आमतौर पर मानसून, लेकिन इस बार 30 तारीख को ही प्रवेश कर गया, यानी कि समय से पहले ही आ गया है। पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं वहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, तापमान में भी राहत मिल रही है। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि मौसम में बदलाव होगा, ये बदलाव सुखद होगा और राहत मिलेगी। ई हीट वेव से भी राहत मिलने की उम्मीद का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली में जो मानसून है वो 27 जून तक दस्तक दे सकता है, ये अनुमान लगाया गया है। 27 जून तक दिल्ली में मानसून दस्तक दे सकता है। पूर्वोत्तर राज्य में बारिश शुरू होने के बाद अच्छी उम्मीद की जा रही है बारिश की। कई राज्यों में बारिश होने के आसार भी हैं, ये कहा जा रहा है। बारिश होगी जाहिर तौर पर, ऊपर से पानी बरसेगा, जमीन ठंडी होगी और ऐसे में राहत मिलेगी, तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो अभी जो उम्मीद की जा रही है वो सिर्फ कुदरत से ही है कि कुदरत राहत कब देती है, कब तक यहाँ पर हमें राहत महसूस होती है इस भीषण गर्मी से। तो वहीं रोहतांग दर्रे में जो सैलानी पहुंच रहे हैं वो तो फिलहाल राहत में ही है और बर्फबारी को एंजॉय भी कर रहे हैं। यशोपुर जिले का तो हमने आपको बताया कि बारिश होने का अनुमान है, लेकिन इस बीच अभी तो वक्त है फिलहाल बारिश होने में, लेकिन गर्मी से अस्पतालों में मरीज परेशान हैं। श्योपुर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच सरकारी अस्पताल का बुरा हाल है। इलाज कराने वाले मरीजों को डबल मार झेलनी पड़ रही है। ज्यादातर अस्पतालों में तो कूलर पंखे काम ही नहीं कर रहे, लोगों को अपने घर से कूलर पंखे ले जाने पड़ते हैं। तो वहीं जो कैंपस है वहां पर गंदगी फैली हुई है। तो यहां फिलहाल एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी।